फाइन, चलिए। तो सबसे पहले कुछ खास चीजें मैं बता दूं, चर्चा हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं दिनेश सिंह चौहान, आप सभी का चौहान एकेडमिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की ऑफिशियल डेट, ठीक है। एक्चुअली इसके पहले जो डेट आई थी फर्जी थी, ये ऑफिशियल है। उसके वजह बताऊंगा क्या है, ऑफिशियल क्यों है, और अब इस डेट को आप कंफर्म मानेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला था जिस दिन मैं आके बोलूँ कि कंफर्म मतलब टोटली कंफर्म है, क्योंकि कई जगह से उसको वेरीफाई किया गया। उसके बाद जो है इस चीज़ को मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरक्षक जीडी और रेडियो के कुल 7,411 पदों पर भर्ती हेतु इसका जो एग्ज़ाम कराया गया था 12 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक, तो देखो पूरे साल भर बाद इसका फिजिकल लिया जा रहा है और इसकी ज्वाइनिंग को 2 साल पहुंचा देंगे लोग। खैर, इसका परिणाम दिनांक 7 मार्च 2023 को 24 को डाला गया था, और इसके बाद इसके लिए अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल प्रोफेशनल टेस्ट जो है, अभ्यर्थी दक्षता परीक्षण और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ये निम्न 10 स्थलों पर बताने वाला हूं कि कहाँ कहाँ किया जाएगा, कब से कब तक। 23 सितंबर 2024 से लेके 9 नवंबर 2024 तक। याद रखना ये जो डेट है, एक तो पहला 29 सितंबर को आपकी छुट्टी रहेगी, फिर आपका 3 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आपकी छुट्टी रहेगी, फिर आपकी 22 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी, 28 अक्टूबर को से लेकर के 3 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। मतलब ये जो डेट है ये हॉलीडेज की बात बता रहा है, ठीक है। ये जो डेट है ये हॉलीडेट, मतलब इन दिन अवकाश रहेगा। आपको पता है बीच में दिवाली वगैरह भी बाकी तमाम चीज़ आएंगी, तो उस दिन हॉलीडे रहेगा आप लोगों का। तो काफ़ी मतलब अच्छा समय है इसमें, इस मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब लगभग लगभग आपके पास 1.5 महीने तक का जो है वक्त पूरा मिलेगा तमाम चीज़ें करने के लिए इस फिजिकल में, क्योंकि कैंडिडेट्स भी हैं, उनकी तैयारी भी चल रही है और बहुत सारे छात्र जो है लगातार इसके लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट उसकी बात कर रहे हैं इसमें। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से आरंभ होगा, मतलब सुबह 6 बजे आपको वहां पहुंचना होगा। अच्छा, आप आपको लेके क्या जाना है, वहां लेकर के जाने के लिए भी क्या है, व्यापम की वेबसाइट पर आप सभी का एक एडमिट कार्ड जारी होगा फिजिकल का। उस एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आपका जो फिजिकल कौन से जगह पर है। नहीं समझ में आया, मतलब अभी आपका एडमिट कार्ड आएगा व्यापम की वेबसाइट पर। ये तो आया है एमपी पुलिस की वेबसाइट पर, एमपी पुलिस ने आपको सूचना दी है, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले बताया था तब भी और अब भी, कभी भी जो फिजिकल की डेट होती है तो उसके 1 महीना पहले बता दिया जाता है, ये रूल ही है। अब देखो 23 सितंबर से उनको लेना है, लेकिन आज भी क्या चला, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब लगभग 1 महीना पहले ही, 1.5 महीने पहले उन्होंने बता दिया कि आप अपनी फिजिकल तैयारी अच्छे से कर लो। हाथ पैर तुड़वाने की आवश्यकता नहीं ज्यादा, ठीक। अभी अचानक ही कल ही जाओ ग्राउंड में और फिसलन वाले ग्राउंड में जाके हाथ पैर तुड़वा लो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके हाथ पैर टूट गए, तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखते हुए फिजिकल को करेंगे, ठीक है। तो कर्मचारी चयन मंडल मतलब व्यापम की वेबसाइट पर इसका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर लिएगा, अभी अभी कुछ दिन में आ जाएगा ये, ठीक है। सभी उम्मीदवार को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना है। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता के लिए कुछ जो दिनांक और कहाँ कहाँ है देख लीजिए, ये 10 जगह हैं जहाँ आपका फिजिकल होगा। पहला सबसे बड़ा भोपाल है, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद, क्योंकि आपको पता है हर एक ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही, 15 अगस्त की तैयारी के बाद आपका कामयाब होगा। इंदौर है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिसे पीटीसी मूसाखेड़ी में इंदौर। दूसरा जबलपुर परेड ग्राउंड, छठी जो है छठी वाहिनी विश्वबल रांची जबलपुर। ग्वालियर है परेड ग्राउंड है, चौदहवीं वाहिनी विश्वबल है कंपू जो आपका ग्वालियर। उज्जैन में है महानंदा एरिना ग्राउंड देवास रोड में। सागर शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बहरिया सागर। रीवा परेड ग्राउंड नौवीं वाहिनी विश्वल रीवा। बालाघाट फुटबॉल हॉकी ग्राउंड जो 36वीं वाहिनी विश्वल बालाघाट। रतलाम भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस स्टेशन के पास जावरा रतलाम। और मुरैना परेड ग्राउंड पांचवी वाहिनी। तो ये 10 जगह हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना, ठीक है। यहाँ पर होगा, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपका आधार ई केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा, अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। साथ ही अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक न कर दिया गया हो। साथ ही साथ दस्तावेज परीक्षण हेतु उम्मीदवार का आवश्यक समस्त मूल प्रमाण पत्र उनकी स्वयं प्रमाणित छाया प्रति साथ लेकर आए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे दिमाग को रखिएगा, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं वो है आपके लिए कानून के साथ साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो कि आपको शायद ही कोई नहीं बताए, और बताएगा भी तो उसका समाधान नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जाएंगे जिनका आधार लॉक हो गया होगा, अब क्या करें अगर आधार लॉक हो गया तो? जब वहां पर जाएंगे इसके पहले अपना आधार अनलॉक करा लीजिएगा। फिर भी दिक्कत आती है, आधार में कोई दिक्कत है, लॉक नहीं हो पा, लॉक हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, और आपको ग्राउंड से भगा दिया गया, दो तीन वजह से आपको ग्राउंड से भगाया जाएगा। सबसे पहला चीज है वजह, ठीक है, सबसे पहला वजह हो सकती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से भगाया जाता है, कोई नाम में दिक्कत है, कहीं सरनेम में दिक्कत है, कोई स्पेलिंग दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो दिमाग में रखना कि चौहान सर को याद रखना है, ठीक है, वो पहले ही दिमाग पर रख के चलना है कि हाँ चौहान सर को बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, आपका आधार लॉक है, अनलॉक है, अनलॉक लॉक की वजह से आपको भगा दिया गया तो क्या करें, या किसी अन्य की वजह से आपको किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्निकल कारण की वजह से भगाया जाता है, तो दिमाग रखें कि चौहान सर को ये तुरंत जो है सूचना मुझे भोपाल में दें, मुझे बताएं, क्योंकि जिस तारीख को आपका फिजिकल है अगर उस तारीख को आप नहीं बैठ पाते हैं किसी कारण, बस मतलब आप जाते हैं और आपको भगा दिया जाता है, तो याद रखना कि 3 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 3 तारीख से, मतलब 23 यहां पर से, तो इसके बीच में अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आपको 23 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में आपको एग्जाम में बैठाया जा सकता है अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो, अगर भगा दिया जाता है तो, ठीक है। मतलब ये मत सोचना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फिजिकल से अगर भगा दिया गया तो उनको लगता है जीवन खत्म हो गया और कोई ट्रेन के आगे, कोई बस के आगे आने का प्रयास करता, बिल्कुल नहीं, उसका हर एक चीज़ का समाधान है। रोजगार पंजीयन अगर आपका एक्सपायर हो चुका था, नया वाला रोजगार पंजीयन बना के लेके जाएंगे। आधार में बहुत सारे लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत होती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एग्जाम दे ली वहाँ दे आइएगा, ठीक है, वहाँ से निकाला जाता है तो बताइएगा, अवगत कराइए। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। चौहान सा जिंदाबाद, रेडियो वाला भी पेपर निकालना, बिल्कुल सर जी, आप कॉल तो नहीं, देखो कॉल मैं उठाऊं या ना उठाऊं, आपके मैसेज मुझ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और मैं बहुत सेंसिटिव उस समय रहता हूं जब फिजिकल वगैरह हो रहा होता है, तो मैं अपनी पूरे टीम को कह देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को भगाया जा सकता है, तो इसलिए दिमाग में रखना कि उन बच्चों का जो है मैसेज कम से कम मुझ तक पहुंचता रहे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि कॉल सेंटर चलाता हूं कि कॉल दिन भर उठा सकता हूं, पर आपके मैसेज अगर मुझ तक पहुंच गए, मेरा ऑफिस है, आप लोग यहां आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कोई अगर समस्या आती है डॉक्यूमेंट वगैरह से भगाया जाता है तो इतनी, मतलब आपके चौहान सर में इतनी क्षमता है कि आपको दोबारा एग्जाम में, दोबारा फिजिकल में बैठवा सके, है ना। पर एक समय पर, मतलब फिजिकल चलते के बीच में, मतलब 23 सितंबर से लेके 9 मतलब नवंबर के बीच में ही बैठा सकते हैं, क्योंकि बाद में उसका आयोजित होना मुश्किल है, तो ये दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सर न्यू कांस्टेबल भर्ती आने, ठीक सर, क्या नई भर्ती? देखो नई भर्ती का अब इस भर्ती के बाद पता चलेगा, 7500 नई भर्ती के बारे में चर्चा की जा रही है माननीय सीएम साहब के द्वारा, अब नई भर्ती है या वाकई में इसी भर्ती को बना देंगे ऐसा देखा जाएगा, क्योंकि बजट में उन्होंने अगर चर्चा की, चूंकि ये जो भर्ती है ये पुराने बजट की भर्ती थी, 2023 की है, और अपन 24 का बजट में बात की जा रही है, तो 24 के बजट में बात की जाएगी नई रिक्रूटमेंट्स की, ठीक है, खैर उसकी भी चर्चा करेंगे, देखेंगे। इसके बाद अगला नंबर है एमपीएसआई का, इसके बाद एमपीएसआई का सबसे पहले गैजेट आएगा, गैजेट मान के चलिए आप कुछ ही दिन में इसका गैजेट पब्लिश होने वाला है, मध्यप्रदेश सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, मध्यप्रदेश सब इंस्पेक्टर गैजेट पब्लिश होगा, गैजेट पब्लिश होने के बाद इसकी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे इसका गैजेट पब्लिश हुआ था 2022 में, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, तो सिमिलरली आपके लिए गैजेट, नया गैजेट आने वाला है, उसके बाद आगे चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ और चीजें पूछ लीजिए, फटाफट पूछ लीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं आज का सेशन बहुत छोटा सा लेना चाह रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट का सेशन लेना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं, ताकि ये वीडियो आप सब तक पहुंचा सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे छात्र जो हैं मेरी वीडियो को कट करके बनाते हैं, तो उनको बताता हूं, इस वीडियो को 2-3 वीडियो बनाइएगा, एक वीडियो बनाइएगा डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत हो तो क्या करें, तो अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है फिजिकल में और उसकी वजह निकाला जाता है, तो तुरंत आपको जो है संपर्क करना है, ताकि आपको एग्जाम में बैठवाया सके, फिजिकल में दोबारा आपको तुरंत बैठवाया सके, लेकिन इसके लिए याद रखना 23 सितंबर से 9 नवंबर के बीच ही बैठाया जा सकता है, ठीक है।
ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग पर रखने का प्रयास करें कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अबे पिटिशनर के बारे में बहुत अच्छी बात। पिटिशनर के बारे में जिन लोगों ने पिटिशन लगाया था, जिनका नाम 13% लिस्ट में है, 13% UR और 13% OBC के लिस्ट में है, उनके लिए इसके पहले ही कोर्ट से जो है, एक तो ऑलरेडी एक इंतरिम रिलीफ आपको मिली चुकी थी, अब चूंकि ये डेट आ चुकी है तो अब जो है एक सुनवाई करा के डिविजनल बेंच से, दो जजेस से एक क्या काम करवाया जा सकता है कि उनसे एक डायरेक्शन लिया जा सकता है सीधे कि भाई जो छात्र अच्छे नंबर लाए वो माइग्रेट हो सके 87% पे, उसका रिजल्ट जो है होल्ड करके ना रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत रखना, तुम्हारा रिजल्ट नहीं रुकने दूंगा। ठीक है, जो पिटीशन लगाए हैं तुम्हारा रिजल्ट नहीं रुकने दूंगा। अभी कल MPPSC पर 50,000 रुपए की कॉस्ट लगी है 13% रिजल्ट होल्ड करने पर। ठीक है, तो पिटीशनर लगाया था, ठीक है, 50,000 रुपए की कॉस्ट लगी है MPPSC पर। ठीक है, कि तुम रिजल्ट होल्ड कैसे कर लिए, जब तुम्हें बोले कि रिजल्ट निकालो तो उसकी टेंशन ना लेना, मतलब बहुत तरीके के साथ। ठीक है, आपको सारी चीज पता चलेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और अब आगे की चर्चा जो है अजीत सर बाकी सब लोग करते रहेंगे। सर डॉक्यूमेंट्स में सरनेम की प्रॉब्लम, देखो जितने लोगों को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है और तमाम चीजें मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक पेन का नहीं सर क्या, आप लोग एक काम करिए, दिमाग रखने का प्रयास करिए, एक मिनट, आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, कि आप लोगों के साथ दो तीन दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं, उन दिक्कतों को पहले से ही हम अगर तैयार रहें तो हमें बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहला हमारा है जो है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत अप टू डेट होना चाहिए। आपका 10th 12th, ठीक है, ये आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप आजकल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आते हैं। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास, अगर OBC हैं, OBC और EWS वगैरह, तो आपके पास आय का, OBC को तो आय वाला मांगता ही है, अगर आय आपके पास नहीं है तो आपके फादर का आय चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार और रोजगार पंजीयन, वैसे इस बार नहीं भगाना चाहिए क्योंकि काफी इनको दिक्कतें हुई थी, पर अगर भगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग इसमें आ जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना, तो ये मैं कहना चाह रहा था आप सबसे कि आप लोग जो है अच्छे से अपने सारी चीजों को तैयारी करके जाएंगे। 10th 12th, वैसे 12th तक की लेके जाना, ग्रेजुएशन कर रखे तो ले जाओ, नहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ठीक है, 10वीं बेस पे परीक्षा है। ठीक है, हाँ, जो लोग रेडियो वाले हैं तो अपना 12th में बाकी जो चीज़ उसने मांग रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी लिए जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पर ये जो चीज़ है मेन, जो आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, अगर इनमें किसी डॉक्यूमेंट्स का भी मिला के देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो पहले से उसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है सर जी, ऑनलाइन आया करो, आपकी याद आती है। ठीक है, डोंट वरी, आया करूँगा, बीच बीच में आता रहता हूँ, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो आता है, और ये ऑफिशियल है, सब तक इसको पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।